ऑडियो 9 पुस्तक का नाम महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। रावण का असीम आतंक अंततः यूं समाप्त हुआ। एक नगरी थी लंका, जिसका राजा था अहंकार, प्रपंच, स्वार्थ और वासना का प्रतिनिधि रावण। रावण की नीति थी अपने असीम स्वार्थों की असीम पूर्ति और उसके लिए हर किसी का उत्पीड़न। उदारता उसके पास नाम को भी ना थी। अपने सारे शरीर बल, बुद्धि बल और परिवार बल का उपयोग वह दूसरों को आतंकित करने और मनमानी बरतने में करता था। इस प्रकार की अनीति का मार्ग अवलंबन करने वाला आरंभ में फलते फूलते भी देखे गए हैं। रावण भी खूब फला फूला, उसका कुटुंब परिवार बड़ा। कहते हैं कि 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती उसके थे। यह तो उसका निजी परिवार था। एक से एक बड़े मायावी साथी उसके थे। त्रिजटा, जो अनेक रूप बना सकती थी। मारीच, जो अनेक वेश बदल सकता था। कुंभकर्ण, जिसके योजनों लंबे नाक कान थे, दूर की बातों को सुन सकता था। मेघनाथ, खरदूषण, सुबाहु आदि अनगणित पराक्रमी उसके साथ थे। आतंकवादी के साथी कितने ही हो भी सकते हैं। इस सहयोग साझेदारी में ही दुष्ट दुरात्माओं को लाभ दिखाई पड़ता है। सो रावण का परिवार बड़ा और देखते देखते लंका सोने की बन गई। लंका में वरुण पानी भरते थे, पवन बुहारी लगाते थे, अग्निदेव भोजन पकाते थे। निदान सभी देवता बंधन में बंधे विवश उसकी नगरी की सेवा शुश्रूषा में जुटे रहते थे। संसार में सर्वत्र रावण और उसकी नगरी की ख्याति फैल गई। सर्वत्र अहंकार छा गया। लोग इस आतंक से दुखी तो बहुत थे, पर उपाय सूझना पड़ता था। निराशा छाई हुई थी। दुर्दैव को कोसने के अतिरिक्त किसी से कुछ बनना पड़ रहा था। अविवेक को उद्दत आचरण करने का अवसर मिलता है और वह सफल होता चलता है तो उसका आतंक फैलना स्वाभाविक है। आतंक के आगे दुर्बल नतमस्तक होने में अपनी खैर मनाते हैं और दुष्ट उसमें सम्मिलित रहकर साझेदारी का अधिक लाभ पाने की नीति अपनाते हैं। व्यक्ति जो चाहे तथ्य चलते इसी मार्ग पर है। फलतः अनाचार का रावण जब भी अवसर मिलता है अपना साम्राज्य व्यापक बना लेता है। मायावी साथियों को इसे कमी नहीं रहती। सोना खिंच खिंच कर उन दुरात्माओं की नगरी केंद्र भूमि में ही इकट्ठा होने लगता है। पूंजीवाद की बढ़ोतरी साधारण जनता को जर्जर करके रख देती है। यही रावण राज्य का स्वरूप है। वह ऐतिहासिक भी हो सकता है या तथ्यात्मक भी। त्रेता युग के रूप में वह आज भी जीवित है। अविवेक जन आचार अनाचार की तूती आज भी बोल रही है। व्यक्ति और समाज सभी उसके आतंक राज में नतमस्तक खड़े हैं। बुद्धिवादी और समर्थ लोगों ने इराक का विरोध करके अपने को झंझट में डालने की अपेक्षा साझेदारी का रास्ता अपना लिया है। एक से एक बड़े मायावी मारीच और खरदूषण इस आतंक राज में सम्मिलित हो गए हैं। प्राचीन काल में रावण राज एक शासन तंत्र में केंद्रीभूत था। आज उसने बौद्धिक विकृति का रूप धारण कर जनमानस को सम्मोहित और आतंकित किया है। लोगों के सोचने और करने की दिशा उसी ओर बह रही है जिस ओर वह उद्दत अविवेक अपनी सफलताओं का दर्प दिखाता हुआ बहने और चलने के लिए विवश करता है। स्वतंत्र विवेक को लोग खो बैठे हैं। अनुपयुक्त ढर्रे की लकीर पर अपना जीवन रथ चला रहे हैं। फिर वे चाहे दुर्गति की गर्त में गिरने ही क्यों न जा रहा हो। आज को भावनात्मक नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के मूल से लगता है अमूर्त रावण का ही आतंक राज्य प्रतिष्ठापित हो रहा है। सोने की नगरी लंका हर किसी का लक्ष्य बनी हुई है। धन के वैभव के अतिरिक्त और किसी की कुछ चाह है ही नहीं। प्रकाश का उपहास करने वाले, अंधकार में सुख संतोष मनाने वाले निशाचरों की सेना वर्षा के उद्बीजों की तरह दिन दोनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है।
इन परिस्थितियों में मानवता को संत्रस्त होना ही पड़ेगा। दुख, दरिद्र और शोक संताप ही तो रावण राज्य की उपलब्धियां हैं। मनुष्य मूर्ख तो है पर विचार शून्य नहीं। लोगों में से डरपोक तो बहुत है पर साहस और शौर्य का सर्वथा अंत कभी नहीं होता। स्वार्थियों और संकीर्ण स्तर वालों का बहुमूल्य सदा रहा है पर लोक मंगल को जीवन का लक्ष्य बनाने वाले सत्पुरुषों से धरती माता की गोदी सर्वथा सुनी नहीं होती। व्यक्ति और समाज की दुर्दशा से शुभ होने वाले व उन विकृतियों को सुधारात्मक उन्मूलन करने के लिए ऐसी अंधेरी परिस्थितियों में ज्योति किरण की तरह कुछ आत्माएं जन्मती हैं और उस विपन्नता से जूझ पड़ती हैं। साधन स्वल्प होते हुए भी वे सद उद्देश्य से का समर्थन करने के कारण देवी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त करती हैं और अंततः लोग साधनहीन विवेक को विजयी और साधन संपन्न अविवेक को परास्त हुआ देखते हैं। ऐसा ही रावण के काल में हुआ। लोक मंगल में अभिरुचि रखने वाले बुद्धिजीवी ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उनने विचार किया कि विश्व वसुधा को शोक संताप में डुबो देने वाली इस विपन्न परिस्थिति का अंत कैसे हो। सबने एक मत से स्वीकार किया कि सत्पुरुषों की सम्मिलित शक्ति महाकाली ने ही आदिकाल में असुरता का लोहा लिया था और वही अब रावण युग का अंत करने में समर्थ होगी। उन्हें पता था कि एक समय जब असुरता से परास्त देवताओं के पास आत्मरक्षा का कोई उपाय शेष नहीं रह गया था तो वे प्रजापति की शरण में गए थे। प्रजापति ने सब देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति को लेकर इकट्ठा किया, उस सामूहिक शक्ति पिंड में प्राण फूका तो भगवती दुर्गा महाकाली प्रकट हुई थी। उसने अपनी हुंकार से दशों दिशाओं को कपा दिया और असुरों को लड़ने के लिए ललकारा। असुर लड़ने आए तो महिषासुर, अहंकार, मधुकेटभ, लोभ और शुभ निशुंभ व्यामोह तीनों का ही दुर्दांत देत्यों को उस महाशक्ति के हाथों प्राण गंवाने पड़े थे। एकत्रित ऋषियों ने कहा, अब भी वही स्थिति है और वही उपाय। व्यापक असुरता से एक एक करके लोहा नहीं लिया जा सकता, उसे हटाना मिटाना हो तो सम्मिलित संगठित शक्ति का आयोजन करना होगा। मत निश्चित हुआ। हर प्रभुत व्यक्ति ने अपना अपना रक्त, अपना अपना योगदान दिया और उस अनगणित रक्त बिंदुओं से भरे घड़े को जमीन में गाड़ दिया गया। घड़ा पकता रहा। जब उससे सजीव महाशक्ति महाकाली परिपूर्ण स्वरूप में बनकर तैयार हो गई तो प्रश्न आया, इसे संभाले कौन, इसका उद्घाटन कौन करे। उपयुक्त व्यक्ति की तलाश की गई तो वह निकले राजा जनक। कर्मयोगी, ब्रह्म ज्ञानी, जनक राजा तो थे पर रोटी अपना पसीना बहाकर खेती करके कमाते थे। प्रजा की सेवा तो करते थे पर उससे परिश्रामिक नहीं लेते थे। संपत्ति तो क्या देह को भी अपना न मानते थे, जो कुछ उनके पास था उसे जनता की संपत्ति मानकर चलते थे, इसलिए लोग उन्हें विदेह भी कहते थे। ऐसे ही नर रतन महाक्रांति के सफल संचालक, पोषक एवं पिता, प्रणेता बनने के अधिकारी हो सकते हैं। कथा है कि जनक जब कृषि में कर्म में निरत थे तो हल की नोक से वह घड़ा टकराया और उसमें से बैठी कन्या बाहर निकली। जनक ने उसे उठाया और छाती से लगा लिया, उसका नाम रखा सीता। हल की नोक की को संस्कृत में सीता कहते हैं। हल की नोक से हल वाले और श्रमिक ने जिसे उगाया उपजाया हो उस युग प्रवृत्ति का सीता के नाम से सर्वसाधारण ने परिचय पाया। सीता जनक के घर में पली, खेली और बड़ी हुई। अब वह विवाह योग्य हो चली थी। जनक इस विचार में मगन थे कि उसका विवाह किस वर्ग के, किस प्रकृति के, किस योग्यता के, किस स्तर के व्यक्ति से किया जाए। इतने में सीता ने इशारे से अपने पिता के सम्मुख वह हल उपस्थित कर दिया। जनक के घर महाकाल शिव का एक पुराना धनुष सुरक्षित रखा था। सीता ने उसे एक घर के कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख दिया।
मानो पिता को संकेत किया हो कि अब धनुष्य के प्रयोग का सार्वजनिक संघर्ष का समय आ गया है। कोई ऐसा धनुर्धर ढूंढा जाए जिसका स्तर, साहस और आत्मबल महाकाल के इस महाविनाशक अस्त्र को धारण कर सकने योग्य हो। उस युग की यही तो सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उसे जो पूरा कर सके वही तो महाशक्ति को धारण एवं वरण कर सकता है। यह अनादिकाल में अपनी पसंदगी घोषित कर चुकी है। यो मा जयति संग्रामे, यो मे दर्पो व्यो मोहति, यो मे विजयते लोके सा मे भर्ता भविष्यति। अर्थात जो मुझे संग्राम में जीते, जो मेरा दर्प संभाले, जो विजयी करने की क्षमता रखे वही मेरा पति होगा। महाशक्ति सीता को जो धारण कर सके और शिव पिनाक को उठाकर असुरता के विरुद्ध उस पर शर संभाल सके ऐसा वर ढूंढा जाए। निदान स्वयंवर रचाया गया। राम इस कसौटी पर खड़े उतरे। दूसरे विवाह इच्छुक वैभवशाली तो बहुत थे, पर उनमें राम जैसा आत्मबल ना था। अतएव इतना बड़ा उत्तरदायित्व उठाने में समर्थ न हो सके। राम ने शिव धनुष उठा लिया। सीता की विजय माला उन्हीं के गले में पड़ी। शक्ति और शिव का द्वेत मिटकर अब अद्वैत हो गया। तब इस कालधारा का प्रभाव फूटा जो युग परिवर्तन के लिए अभीष्ट था। राम सीता का विवाह गृहस्थों प्रयोग के लिए नहीं, किसी प्रयोजन के लिए एक अपूर्णता को पूर्णता में परिवर्तित कर समय की महती आवश्यकता संपन्न करने के लिए हुआ था। सो कुछ ही दिनों के बाद परिस्थितियों ने मोड़ लिया। वनवास की तैयारियां हुई और सीता समेत राम लक्ष्मण वनवास के लिए चल दिए। सीता हरी गई और वे लंका पहुंची। उसका पदार्पण लंका की काया पलट करने के लिए था। वहां आतंक का उद्गम बदलकर ज्ञान और भक्ति के प्रतीक विभीषण को प्रतिष्ठापित करना जाना था। भगवती ने इसी के लिए अभीष्ट परिस्थितियां विनिर्मित की। सिया हरण न होता तो शायद लंका का कायाकल्प भी ना हो पाता। राम ने संस्कृति सीता के अपहरण को असह्य माना और वे दुर्दांत रावण को परास्त करने के लिए कटिबद्ध हो गए। राम के पास कोई सेना नहीं थी। परदेश में मामूली सा धनुष बांध लिए दोनों भाई वनवासी की तरह घूम रहे थे। आतंक के विरुद्ध ना लड़ने के लिए साधन थे, ना सुविधा, ना परिस्थिति थी और ना ही व्यवस्था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने मार्ग पर बढ़ चले। सच्चाई और न्याय का लोग समर्थन तो करना चाहते हैं, पर तब जब किसी पर्वत जैसे ऊंचे, भारी व सुदृढ़ व्यक्तित्व का नेतृत्व मिले। राम इन्हीं विषमताओं के प्रतीक थे। उन्होंने समर्थ लोगों को अपने महान अभियान का संदेश पहुंचाया और सहयोग की याचना की, पर ना तो कोई एक भूपाल काम आया ना धनपति। वे तो विजयी के साथ होते हैं क्योंकि उन्हीं की सहायता से उन्हें लाभ रहता है। दुर्बल दिखने वालों को सहायता देने में उन्हें अपना भौतिक लाभ तो दिखता नहीं। ऐसी दशा में घाटे का सौदा करे भी क्यों? अमीरी अपना बचाव पहले देखती है। सत्य और न्याय से उसे सहानुभूति भले ही हो, पर सहायता तो सफल और समर्थ की ही करना लाभदायक होता है। इस प्रत्यक्ष तथ्य की वह उपेक्षा कैसे करें? सो राम की पुकार व्यर्थ चली गई। एक ही समर्थ जन को उनका साथ देने का साहस नहीं हुआ। राम ने गरीबों का द्वार खटखटाया और उन्हें बताया कि थोड़ी सी सुविधाएं भोगते हुए आराम से निर्जीव जिंदगी काटने की अपेक्षा अधर्म से लड़ने और धर्म को प्रतिष्ठापित करने के ईश्वरीय प्रयोजन के सहयोग देते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। मजेदार जिंदगी की तुलना में शानदार जीवन उत्पन्न है। सो ये बात रीच वानरों की समझ में आ गई। भले और बोले लोग चतुर और समर्थ लोगों की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। सो ईश्वरीय संदेश उन्हीं को प्रभावित करता है। रीच जानवरों ने घर और शरीर और सुविधाओं का मोह छोड़ा और वे सच्चे सूरमाओं की तरह निहत्ते होते हुए भी युग दानव के विरुद्ध संघर्ष में कूद पड़े। दिखता यही था कि शायद इतना बड़ा आतंक पराजित ना हो सके। शायद हम साधन विहीन लोग ही इस संघर्ष में
खेत रह जाए। पर उनकी आत्मा ने कहा, न्याय और औचित्य के लिए लड़ने का प्रयत्न अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है। इस संघर्ष का हर कदम धर्म सैनिक की सफलता है। भौतिक विजय या पराजय के झंझट में क्यों पड़ा जाए? राम रावण का ऐतिहासिक युद्ध होने की तैयारी हो गई। बाधाओं का सेतु बांधना था। नील नल ने रीछ बानरों की सहायता से पत्थर के टुकड़े जुटाए और जल में तैरने वाला पुल बनाने की तैयारी करी। भगवान राम ने कहा, भौतिक साधक तो जुटाने ही चाहिए, पर परिवर्तन के देवता महाकाल को भी साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप से उन्हीं की शक्ति बड़े प्रयोजन को संपन्न करती है। सच तो यही है कि हम सब उन्हीं की प्रेरणा से इतना दुस्साहस कर सके हैं और आगे उन्हीं की संकेतों पर चलते हुए अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। सेतु बंधे के स्थान पर भगवान राम ने अपने ईश्वर, मार्गदर्शक रामेश्वर, महेश्वर, महाकाल का की प्रतिष्ठापना की और आराधना अर्चा के साथ आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे महान, आपकी इच्छा पूर्ण हो। हम सब आपकी प्रकृति संकेतों पर बलिदान होने के लिए खड़े हैं। महेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा प्रयोजन पूर्ण करने में संलग्न बालकों तुम्हें श्रेय मिलेगा। यशस्वी होगे और उज्जवल नक्षत्रों की तरह अनंत काल तक चमकोगे। मेरी विजय तुम्हारी विजय गिनी जाएगी। महाकाल के आशीर्वाद ने राम दल का साहस सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। बूढ़ा जटायु जानता था कि मेरी शक्ति स्वल्प है। रावण से जूझने का क्या परिणाम हो सकता है, यह भी उसे विदित था। फिर भी उसने सोचा, जीवन की इससे बड़ी सार्थकता और सफलता दूसरी नहीं हो सकती कि उसका उपयोग न्याय धर्म की रक्षा करने और लोक मंगल के अभिवर्धन में हो सके। इस अनुपम अवसर को वह दूरदर्शी चूकने वाला न था, तो रावण से लड़ पड़ा और मारा गया। हो सकता है किसी कायर पर इसका बुरा असर पड़ा हो और कुछ उमंगे उठ रही हो कि इस प्रकार की हानि उठाने से बचने के लिए डर कर अपना हौसला खो बैठा हो। पर दुनिया में सभी तो डरपोक नहीं है। कुछ ऐसे भी तो हैं जिनका शौर्य अवसर आने पर भी उभरता है। जटायु जैसे यशस्वी मौत पाने के लिए अनेकों दिल वालों के दिल छाती की ठठरी में छिपे रहने की अपेक्षा बाहर निकलकर दो दो हाथ दिखाने और कुछ कर कर गुजरने के लिए मचलने लगे। इन्हीं दिल वालों में से एक थी एक गिलहरी। उसने सोचा, मैं बहुत छोटी जरूर हूं, साधन विहीन भी, पर इससे क्या, आखिर मैं कुछ तो हूं ही, और जो कुछ है वह है उसे लेकर लोक मंगल के लिए आत्म बलिदान करने के लिए मात्र मंदिर में जा पहुंच करने का अधिकार हर किसी को है, सो मैं भी क्यों सकुचाऊं। जितना ईश्वर ने दिया है उसी को लेकर उससे के आगे आत्मसमर्पण क्यों ना करूं। गिलहरी को एक सूझ आई। वे अपने बालों में धूलि के छोटे छोटे कण भर लेती और समुद्र के छिड़क आती। उसका ये अनवरत श्रम देखने वालों को हैरत में भरकर पूछा, आखिर ये सब क्यों कर रही हो, इसका क्या परिणाम होने की आशा है? गिलहरी ने कहा, राम समुद्र पार जाकर रावण से लड़ने खड़े हैं। नल नील समुद्र पर पुल बनाने में जुटे हैं। हनुमान समुद्र को छलांग चुके हैं। फिर क्या इस बाधा में सागर को पाटने में मेरा कोई योगदान ना होना चाहिए? छोटी हूं पर तो क्या, बालों में थोड़ी बालू भरकर समुद्र में डालती रहूंगी तो आखिरकार इन बाधाओं के सागर को कुछ तो घटपटा पाऊंगी। इस छोटे से प्रयत्न से कितने समय में क्या परिणाम होगा, ये सोचना मेरा काम नहीं है। सच्चाई के समर्थक एक ही बात जानते हैं, जो अपने पास है उसे लेकर आगे बढ़ना और निष्ठा पूर्वक सतत संघर्ष में अपनी अंतिम बूंद समर्पित कर देना। सो ही तो मैं कर रही हूं। बहस आगे नहीं बढ़ी। पूछने वाले ने उसी के एक साथी ने यूं कहकर चुप कर दिया, उस टिटहरी की कथा याद करो जिसने अपने अंडे बाहर ले जाने के अपराध में समुद्र से लोहा लिया था और चोंच में बालू भरकर उसे पाटने का दुस्साहस किया था। जानते नहीं ऐसे दुस्साहसी भगवान का सिंहासन हिला देते हैं और उनकी सहायता में उन्हें नंगे पैरों आना पड़ता है।
इटहरी के समर्थन में अगस्त ऋषि आए थे और उनने 3 चुल्लू में सारा जल पीकर अभिमानी समुद्र को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि अपनी अनीति भरे कदम वापस ले ले। जीत जब टिटहरी की हो रही तो ये गिलहरी अपने लक्ष्य पर क्यों ना पहुंच सकेगी। पूछने वाला निरुत्तर था। निदान बहस बंद हो गई और गिलहरी का अभिनंदन करने राम उसके पास पहुंचे और अपने श्यामल हाथों की उंगलियां उसके पीठ पर फेरकर एक ऐसी स्मृति पदक प्रदान किया जो हर छोटे समझे जाने वाले साधनहीन की हिम्मत अनंत काल तक बढ़ाता रहेगा। कहते हैं तभी राम द्वारा फेरी हुई उंगलियों की रेखाएं अभी भी उस गिलहरी के वंशजों की पीठ पर एक शानदार पदक की तरह अंकित हैं। जो भी हो, राम रावण युद्ध होकर रहा। एक से बढ़कर एक आतंकवादी असुर उस संग्राम में भूमिशाही हो गए। सोने की लंका जलबल करखाक हो गई। राम राज्य की स्थापना हुई और उसका विजय उत्सव विजयादशमी बड़ी ठाट बाट से मनाई गई। सभी क्षेत्रों में आश्चर्य किया, भला इतना साधन संपन्न रावण सा परिवार इतनी आसानी से कैसे मारा गया। समाधान कर्ता ने बताया, इसमें तनिक भी अचंभे की बात नहीं है। पाप तो अपनी मौत मरता है, उसकी चमक बादल में चमकने और कड़कने वाली बिजली की तरह होती है, जो कुछ ही समय में अपना उछल कूद दिखाती है और फिर अपनी इस मूर्खता पर पछताती सकुचाती हुई मुंह छिपाकर बैठ जाती है। आश्चर्य की बात तो ये कही जा सकती है कि साधनहीन राम दल ने इतनी बड़ी विजय का श्रेय प्राप्त कैसे कर लिया। सो है समीक्षक, पूरी बात समझो। अंततः सत्य ही जीतता है, अंततः धर्म ही जीतता है, अंततः विवेक ही जीतता है। अनीति का अंत करने के लिए जब महाकाल की तिरकन गतिशील होती है तो असंभव दिखने वाली बातें संभव होने में देर नहीं लगती। रावण का आतंक आखिरी समाप्त हुआ है। स्वार्थ और अविवेक का वर्तमान आतंक जिसे आज जनमानस को बुरी तरह सम्मोहित कर लिया है और दशों दिशाओं में हाहाकार भरा नारकीय वातावरण प्रस्तुत कर दिया है, आखिर यह भी तो समाप्त होना ही है। सो लगता है वह समय आ पहुंचा है। रीचों वानरों जटायु और गिलहरियों का वर्तमान हलचले और नाटकीय ढंग से बदली हुई विश्व रंगमंच की परिस्थितियां यही बताती हैं कि महाकाल का नव निर्माण प्रत्यावर्तन प्रचंड प्रकाश की तरह अनगणित अंतःकरणों में प्रवेश करके कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भर रहा है। इसे आतंक युग की समाप्ति का स्पष्ट प्रमाण नहीं तो और क्या कहा जाए। इस नव युग के रामराज्य के आगमन का शुभ संकेत नहीं तो और क्या माना जाए।